ये देखो बन के हो गए हैं फेमस उरई के रसगुल्ले। ये देखो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जाना जा रहे हैं दिवाली पर उरई के फेमस रसगुल्ले बनाने। तो देखिए, चलिए आ जाइए मेरी किचन में, आप लोग बनाते हैं उरई के फेमस रसगुल्ले। हैप्पी दिवाली सभी को। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम चाशनी। तो ये हमने ले ली है 1 किलो शक्कर। चाशनी को रख देते हैं बनने के लिए। 1 किलो शक्कर में हमने 4 ग्लास पानी डाला है। अब इसको बनाते हैं चाशनी। सो इसको गैस की फ्लेम को रखते हैं तेज और इसको बराबर चलाते रहेंगे इस तरह, और दिखाते हैं हम 15 मिनट बाद। दूसरे साइड हमारी बन रही है चाशनी। तो इधर हम बना लेते हैं अपनी रसगुल्लों के लिए रबड़ी। ये हमारे उरई के फेमस रसगुल्ले बन रहे हैं। तो ये हमने दूध गर्म कर लिया था पहले, इसकी बनाई है हम रबड़ी। चाशनी हमारी 15 से 20 मिनट में बनकर हो चुकी है रेडी। ये देखो, इधर हमारी बन रही है रसगुल्लों के लिए रबड़ी। रबड़ी बताएंगे रबड़ी का क्या करना है। और ये इधर हम अपना खोआ बना रहे हैं, जो कि हम घर में ही बनाते हैं रसगुल्लों के लिए खोआ। थोड़ी सी लेकर ऐसे हाथ से टच करके, ये चिपक रही है, चाशनी हमारी बन गई है। ये देखो, रबड़ी बन के हो चुकी है रेडी इस तरह से। तो रसगुल्लों के लिए रबड़ी बन के हो चुकी है रेडी। इसको निकाल लेते हैं एक कटोरी में। अभी ये सीक्रेट है, आपको हम बताएंगे। चाशनी हमारी बन चुकी है रेडी, बनकर हो चुकी है। सो ये 2 चुटकी हम इलायची पाउडर इसी चाशनी में मिला देते हैं। रसगुल्ला की फिलिंग के लिए, अंदर भरने के लिए हमने लिए हैं किशमिश। 20-25 किशमिश होंगी। ये हमने पिस्ता, जिसको हमने धोल धुल कर छील कर और इसको हमने फाइन चॉप कर लिया है पिस्ते को। ये हमने बादाम को भी फाइन चॉप कर लिया है। ये हमने 10 काजू को फाइन चॉप कर लिया है। ये हमने ले लिया है 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। और ये 250 ग्राम है रवा, सूजी 250 ग्राम। और ये 1/2 किलो हमने खोआ घर में ही बनाया है। अब इसको हम इसमें डालकर काजू, पिस्ता, बादाम और इलायची पाउडर और किशमिश को सबको एक साथ कर लेते हैं। और इधर मिलाएंगे हम थोड़ा फिलिंग के लिए खोआ ये, और इसी में मिलाएंगे हम थोड़ा सा ये फूड कलर ऑरेंज वाला, इसको भी मिला लेते हैं। इसको बनाते हैं इसका मिश्रण भरने के लिए। ये सारे ड्राई फ्रूट और कलर फूड ये सब हमने मिक्स कर लिया है। इलायची भी है इसमें, इसको रखते हैं एक साइड। अब बना हमारा ताज़ा ही है, तो इसको हम मिला लेते हैं रवा सूजी, जो कि है 250 ग्राम। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे इस तरह से। तो इसमें 250 ग्राम सूजी, 1/2 किलो रवा में पूरी डाल देंगे। इसको मिक्स कर करके दूध से इसको घोटेंगे इस तरह। पहले मिक्स करेंगे दूध मिलाकर खोआ को। अब इसी में मिलाते हैं 1/2 चम्मच खाने वाला सोडा। दूध डाल के और इसको लगातार इस तरह मिक्स करते रहेंगे 10 मिनट तक इस तरह से। इसका रवा फूलना चाहिए, तभी रसगुल्ले अच्छे से फूलते हैं इस तरह से। ये हमने इस तरह से लगातार 10 मिनट तक हम करते रहते, और हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालते रहते, और लगातार हमने इसको ऐसे किया था। अब इसको इकट्ठा करके 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, ताकि इसका रवा फूल जाए। और इसको हम ढककर रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तब तक अपनी चाशनी को गर्म कर लेते हैं। और इधर हमने अपना रिफाइंड रख दिया है गर्म होने के लिए। स्लो आंच कर दी है, अभी दोनों चीज़ें गर्म हो जाती हैं, फिर बनाते हैं रसगुल्ले। बराबर ये लोइयां बना लेते हैं रसगुल्लों की इस तरह। हम पहले 7-8 लोइयां इसकी बना लेंगे, फिर इसको बनाते हैं।
इधर जो अंदर फिलिंग भरी जाएगी इसको भी इस तरह से करके, और इसकी भी फिलिंग हम, ये वही है जो ड्राई फ्रूट्स और कलर डाल के मिश्रण बनाया गया था, ये वही है, छोटा छोटा बॉल इसकी भी बना लेंगे, इसको भरेंगे हम अंदर। तो एक बॉल इस तरह से लेकर इस तरह से इसको प्रेस करेंगे इस तरह से, ये एक बॉल इसमें भरकर और इस तरह से फिल कर देंगे, जैसे अपन कचौड़ी को फिल करते हैं। इसको राउंड राउंड घुमाकर इस तरह से करते हैं इस तरह से, और इसको करेंगे यूं ताकि ये ज्वाइंट पूरा खुले ना, ढंग से इस तरह से कर देंगे। इसको रखेंगे साइड में, एक और बॉल बना के बताते हैं। इसको पहले इस तरह से करके इस तरह से इसको करेंगे प्रेस हल्का सा, इसकी एक बॉल लेकर इसमें फिल कर और इस तरह से इसमें भर देंगे, और इस तरह करेंगे ताकि पूरे में ज्वाइंट खुले ना इस तरह से। इसी तरह हम सारी बॉल बनाकर 8-10 एक साइड रख लेंगे, फिर सेकना बताते हैं। हमने रखा था मीडियम फ्लेम पर, अब इसको रसगुल्लों को सेक लेते हैं इस तरह से, बड़ी सावधानी से डालेंगे इसको, सारे रसगुल्लों को मीडियम फ्लेम पर हम सेक लेते हैं। हमने चाशनी को भी स्लो फ्लेम पर रखा है गर्म होने के लिए, गर्म बनी रहेगी चाशनी तो अच्छे से रसगुल्ले चाशनी पहुंच जाएगी, रसगुल्लों तो में अंदर तक चाशनी चली जाएगी। तो अभी हमने 8-10 रसगुल्ले ही डाले हैं इसमें और मीडियम फ्लेम पर सेक रहे हैं। इसको तली में इस तरह चलाते रहें, हल्का हल्का टच करते रहें इस तरह से, और बस 2-3 मिनट में ये सिक जाते हैं। तो ये देखो बस 10 सेकंड बाद हम इन्हें निकाल ले जाएंगे, पर के रसगुल्ले इसमें रखेंगे इस तरह से, सारा ऑयल इसका सारा रिफाइंड निकल गया। अब हम डालेंगे चाशनी में, ये चाशनी हमारी गर्म है ही, इसमें आराम से पलट देंगे ये देखो, और इसको चला देंगे इस तरह से। गर्म चाशनी में बड़े आराम से डूब जाते हैं ये देखो, अंदर तक चाशनी जाएगी, काहे कि चाशनी हमने बना के गर्म कर दी है मीडियम फ्लेम पर ये देखो। और बस इसको इस तरह चला देंगे, अभी चाशनी भरेगी तो इसका साइज और बड़ा हो जाएगा। तो ये डालते हैं अपने उरई के फेमस रसगुल्ले, ये देखो आप लोग। और जो हमने रबड़ी बनाई थी उसका करना है ये डाल के देते हैं हमारे उरई में, रबड़ी को इस रसगुल्लों पे इस तरह डालकर देते हैं वो लोग। आप एक बार ये रसगुल्ले हमारे उरई वाले जो फेमस है आप लोग जरूर बनाना, उरई के रसगुल्ले बहुत ही टेस्टी बनते हैं, लाजवाब। आप एक बार बनाओगे तो ये रसगुल्ले खाना आप लोग बार बार खाना पसंद करोगे। और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और जो जिन्होंने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो हमें सपोर्ट मिलता है, अच्छा भी लगता है। और थैंक यू सो मच, ऐसे ही आते रहेंगे नए नए वीडियो लेकर। बाय बाय, टेक केयर। ये देखो बन के हो गए फेमस उरई के रसगुल्ले, ये देखो इसका ये सीक्रेट होता है, इसमें रबड़ी डालकर देते हैं। ये हम रसगुल्ले को तोड़ कर दिखाते हैं, ये देखो कितना सॉफ्ट बना है ये देखो कितना सॉफ्ट बना है ये देखो बना है ना एकदम बढ़िया परफेक्ट।